चंडीगढ़ से प्रोफेसर आशुतोष ने पूछा है कि आज आपका ट्वीट देखा, कृपया ओशो धारा के इस नए कार्यक्रम विमेन एम्पावरमेंट के बारे में प्रकाश डालें। नारी शोषण एक विश्वव्यापी समस्या है। आजकल आप समाचारों में देख रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तरह तरह से नारी शोषण हो रहा है। यद्यपि इस विषय पर जो मंगलवार को मैं सुनो भाई साधु का सत्संग है, उस पर एक प्रश्न है और इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी करूंगा, लेकिन आज मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मैं इस प्रश्न पर मनन कर रहा था तो मुझे ख्याल आया कि ओशो धारा में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम है। बच्चों के लिए बाल प्रज्ञा है, बाल उत्सव प्रज्ञा है, युवाओं के लिए किशोर प्रज्ञा है, फिर दंपतियों के लिए दाम्पत्य प्रज्ञा है, और फिर पेरेंटिंग के लिए वात्सल्य प्रज्ञा है। लेकिन ये पता नहीं कैसे हुआ कि नारी एम्पावरमेंट पर, नारी शक्ति, नारी के सशक्तिकरण पर ओशो धारा में आज तक कोई कार्यक्रम नहीं है। और तब मुझे ख्याल आया कि वक्त आ गया है कि विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण पर भी एक कार्यक्रम होना चाहिए, और इसीलिए विमेन एम्पावरमेंट कार्यक्रम का आरंभ किया जा रहा है। और इसमें कुछ अद्भुत जो टॉपिक्स हैं, अद्भुत विषय हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, हमारे आचार्य चर्चा करेंगे। जैसे नारी में जो पोटेंशियलिटी है, और तुमको मैं बताऊं कि यद्यपि सारे विश्व की यह समस्या है, लेकिन भारतवर्ष में हम हमेशा नारी को सम्मान देते रहे हैं। हमारा ऋषि कहता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस देश में, जिस समाज में नारी को सम्मान दिया जाता है, वहां पर देवता रमण करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो नारी के प्रति सम्मान का भाव था, वो धीरे धीरे उसका क्षरण हुआ है, और इतना क्षरण हुआ है कि नारी स्वयं भी अपने आप को हीन मानने लगी है, हीन भावना से शिकार हो गई है। जबकि वास्तव में जो नारी की क्षमता है, जो नारी की गरिमा है, जो नारी होने का गौरव है, हम चाहते हैं कि वास्तविक जो गौरव है, जो वास्तविक गरिमा है, इससे हर नारी परिचित हो। निश्चित रूप से कार्यक्रम को हम ओशो धारा तक ही सीमित नहीं रखना चाहते हैं, इसको एक अभियान की तरह, एक विश्वव्यापी अभियान की तरह इसको हम चलाना चाहते हैं। और आरंभ तो हम वहीं से करेंगे जहां हम हैं, जहां हमारे लोग जुड़े हुए हैं। और इसमें हम चाहते हैं कि नारी के जो विभिन्न आयाम हैं, पहली बात तो हम चाहेंगे कि नारी होने की गरिमा से हर नारी को परिचित कराया जाए। नारी होना एक बहुत बड़ी गरिमा है, एक बहुत बड़ी गरिमा है, उसको हम नारी को परिचय कराना चाहेंगे। और फिर ये भी साथ साथ कि नारी होने की चुनौतियां भी हैं, जहां पर भी गरिमा होती है, जहां गौरव होता है, वहां कुछ चुनौतियां भी होती है, और हर नारी को उन चुनौतियों से परिचित भी होना चाहिए। और उसका स्टार निश्चित रूप से ओशो धारा से शुरू करेंगे। और फिर नारी के कई रूप हैं, अपनी उन भूमिकाओं के प्रति नारी को जागना है। अगर नारी सशक्तिकरण हम चाहते हैं, नारी के कई रूप है, जैसे बेटी होना। बेटी होना बड़े सौभाग्य की बात है, बेटी होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे देखने में आता है कि जो एक बेटी है, अपने पेरेंट्स का जितना वो ख्याल करती है, वो बेटे नहीं करते हैं। ये हमारे समाज की एक बड़ी अजब की स्थिति है कि हर दंपति करीब करीब बेटा चाहता है। लेकिन मैं देखता हूँ, अपने व्यावहारिक अनुभव में आसपास देखता हूँ कि जितना ख्याल एक बेटी रखती है, उतना ख्याल बेटा नहीं रखता। ये लगता है ये कथा सी बन गई है कि बेटा ज़्यादा ख्याल रखता है तो बेटा चाहिए। लेकिन एक बेटी होने की क्या गरिमा है, इसको जानना है। और फिर जब आप अपनी गरिमा से परिचित होते हैं, तो जो शोषण होता है, जो आजकल अटैक्स होते हैं, बलात्कार होता है, शोषण होता है, तो आत्मरक्षा करने का उपाय भी उसे मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब तक स्वयं हम आत्मरक्षा नहीं करते हैं, तो दूसरा भी कोई हमारी रक्षा नहीं करता है। ये एक अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, राम सहायक उनके होते जो अपने हैं स्वयं सहायक। अगर आप अपनी आत्मरक्षा नहीं, अगर मान लो चीन और भारत में दुश्मनी है,
अगर भारत कहे कि मेरी सहायता अमेरिका करे या मेरी सहायता कोई दूसरा देश करे और हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो कोई देश आपके सपोर्ट में नहीं आने वाला है। लेकिन आज भारत उठ खड़ा हुआ है कि हम अपने आत्मरक्षा स्वयं करेंगे, तो देखो कितने देश आज भारत के साथ आ गए हैं और चीन की घिघी बन गई है। तो ठीक इसी तरह मैं चाहता हूँ कि नारी सशक्तिकरण में हम वो सब कुछ बताएं और वो सब कुछ सिखाएं जो एक नारी को अपनी आत्मरक्षा के लिए करना है। उसी तरह से पत्नी की एक भूमिका है, पत्नी होने की एक गरिमा है, एक हाउस वाइफ है। एक हाउस वाइफ वास्तव में घर की गृहिणी होती है और उसी से घर चलता है। जो घर की मर्यादा है, जो घर की देख रेख है, जितना एक नारी कर सकती है उतना पुरुष नहीं कर सकता। अगर कोई गृहिणी नहीं है घर में तो उस घर को जाकर देखो। वो पुराना गाना सुना था कि बिन घर नहीं घर भूत का डेरा, वो कहीं उल्टी थाली पड़ी थी, कहीं कुछ पड़ा था, और इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, इतने प्यार से, इतने केयर से परिवार की वो देख रेख करती है। क्या वो सम्मान के लायक नहीं? क्या वो गरिमा के लायक नहीं? तो क्या जो पत्नी भूमिका निभाती है, क्या वो भूमिका कोई पुरुष निभा सकता है? तो एक पत्नी होने की गरिमा है। और जैसा मैंने कहा कि स्वावलंबी होने का, जो आक्रमण बाहर से होते हैं और एक दीन समझता है, नारी को एक अबला समझा जा रहा है, उसका एक नया पिक्चर, एक नया रूप, एक नई भूमिका उसकी होनी चाहिए कि आत्मरक्षा के लिए वो सशक्त है। और फिर सबसे ज्यादा माँ होने की गरिमा, ओशो ने अपने हर सन्यासिनी को माँ कहा है, चाहे वो छोटी उम्र की क्यों ना हो। और माँ होने की एक गरिमा है, माँ में जितनी ममता होती है, माँ में जितना प्यार होता है, क्या वो किसी अन्य में हो सकता है? वो नहीं हो सकता। तो अपनी इस गरिमा को समझना है कि ये एक माँ बनने की क्षमता, माँ बनने की गरिमा, माँ होने का गौरव, इससे हम चाहेंगे कि ओशोधारा की हर साधिका परिचित हो। और ताकि एक तूफान की तरह, एक सैलाब की तरह ये अभियान आगे फैले। और अंत में हम सोचते हैं कि नारी गृहिणी हो गई काफी है, बेटी हो गई काफी है, पत्नी हो गई काफी है, लेकिन नारी की असली गरिमा भक्त होने में है। और एक नारी जितना भक्ति की यात्रा में सफल हो सकती है, भक्ति की साधना में जितना सफल हो सकती है, कोई पुरुष नहीं हो सकता। क्या मीरा की भक्ति कोई पुरुष उसका सानी हो सकता है? क्या सहजो, क्या दया, क्या राविया पुरुष ज्ञान के मार्ग पर चल सकता है? लेकिन जहां तक भक्ति का मार्ग है, वह केवल नारी ही उस ऊंचाई को छू सकती है। तो हम चाहते हैं कि नारी की जितनी भी संभावनाएं हैं, इन सारी संभावनाओं को उसमें प्रकट करना चाहते हैं, इन सारी संभावनाओं की उसमें खिलावट हो। और इसके लिए ये वुमेन एम्पावरमेंट कार्यक्रम की रचना हुई है, जो पहला कार्यक्रम 1 से 4 दिसंबर तक है। मैं चाहूँगा कि सभी भाग लें और पुरुष भी भाग लें, ताकि वे अपने परिवार में अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को उनकी क्षमताओं से परिचित कराएं। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि केवल नारी ही इसमें भाग लें, सभी पुरुष भी इसमें भाग लें। और जैसे ओशोधारा के जो प्रज्ञा कार्यक्रम है, वो महिलाओं के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट कार्यक्रम को सभी साधिकाओं के लिए अनिवार्य किया गया है, क्योंकि जो इससे खिलावट होने वाली है और साधना में भी ये सहायक होने वाली है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी इस कार्यक्रम को करें।